हमीरपुर जिला में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 99% लोगों को वैक्सीनेशन की प्रथम डोज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाई जा चुकी है। हमीरपुर में सीएमओ डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि हमीरपुर जिला में दोनों डोजें लगाने का टारगेट 3,60,000 रखा गया था, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक 1,43,000 लोगों को दोनों डोजें लगा दी हैं। वहीं डॉक्टर अग्निहोत्री ने माना कि अगस्त माह में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 3% तक पहुंच गई है। हमीरपुर जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जिला में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रथम डोज लगाने का आंकड़ा 99% हो चुका है। सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि 1% में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीज और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गर्भवती व बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को वैक्सीनेशन लगवाने के प्रति भी प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वैक्सीनेशन की 100% दर को पूरा किया जा सके। नमस्कार, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट डोज जो हमने शुरू किया था उसका टारगेट था पूरे हिमाचल में कि सबसे कम से कम एक डोज दी जाए, जो भी 18% के हमारे पॉपुलेशन है, तो उसका टारगेट लगभग हमने 98.9 यानी कि 99% लोगों को हम लगा चुके हैं वैक्सीन, ये फर्स्ट डोज है। और जो कुछ बचे हैं कैटेगरीज, उसमें दो कैटेगरीज हमारी बच रही हैं, क्योंकि एक तो कोविड के जो पॉजिटिव केस हैं उनको 3 महीने से पहले नहीं लगा सकते हैं, तो वो तो कुछ लोग बचेंगे, जैसे जैसे 3 महीने कंप्लीट होते जाएंगे उनको वैक्सीनेशन हो जाएगा। और दूसरा कैटेगरी जो हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है हमारी गर्भवती महिलाएं और जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं, वो कैटेगरी जिनको लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं और एंटीनेटल मदर बोलते हैं, उनमें थोड़ा सा अभी थोड़ा सा हल्की सी घबराहट हो रही है कि वैक्सीनेशन लगवाएं क्या करें, बच्चे को तो नहीं कुछ होगा, उस तरह की समस्याएं आ रही हैं। उस चीज़ के लिए हम आईसी एक्टिविटी कर रही है, माताओं को समझा रहे हैं कि वैक्सीन लगाना ये सेफ है, ये सबको लगानी पड़ेगी, लेकिन उसमें हम उनकी एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है, तो उससे थोड़ा सा लोगों में डर है, उन गर्भवती महिलाओं में और जो माताएं दूध पिलाती हैं बच्चों को, तो उनसे हमारा यही आग्रह है कि जल्दी से वैक्सीनेशन को आप भी लगवाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है तो कई बार इसमें मृत्यु दर जो है ज़्यादा पाया जाता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, तो इस चीज़ के लिए या बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए हमारा यही आग्रह रहेगा कि गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर जो हैं वो भी वैक्सीनेशन करवाएं, अपने आप को भी वो इस कोविड से बचाएंगे और उनका बच्चा भी जो है सेफ रहेगा। सीएमओ ने दोनों डोजों की जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर में 3,60,000 का टारगेट रखा गया था, जिसमें 1,43,000 को कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में कोरोना संक्रमण के गंभीर रूप से ग्रस्त मरीजों का दाखिला अस्पतालों में कम हुआ है, जिसका प्रमुख कारण दोनों डोजें लगाना है। डोज की वो भी हमारा अच्छा कार्यक्रम चला हुआ है, उसमें हम 3,60,000 हमारा जो टारगेट है उसमें से 1,43,000 लोगों को हम सेकंड डोज भी दे चुके हैं, यानी 40% से ऊपर हम सेकंड डोज भी हमारा चला गया है। तो इस तरह से वैक्सीनेशन जो है वो पूरी अच्छे ढंग से चला हुआ है, और इस वैक्सीनेशन का फायदा हो रहा है कि कोविड इन्फेक्शन जो है वो हालांकि हो तो रहा है हमीरपुर जिला में, लेकिन इसको सीरियसनेस जो है वो कम है, उसमें जो जिन लोगों को अस्पताल में एडमिशन की जरूरत है वो कम पड़ रही है, 1-2% लोगों को ही अस्पताल में एडमिशन का जरूरत पड़ रहा है, तो ये फायदा हुआ है वैक्सीनेशन का कि मॉर्टेलिटी जो है वो भी कम है, एडमिशन रेट जो है हमारा अस्पताल में जो दाखिले का दर है वो भी कम हुआ है। वहीं अगस्त माह में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट जो पहले 0.4% पहुंच चुकी थी, अब बढ़कर 3% तक पहुंच चुकी है। अभी जो देखा गया है कि पीछे थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिविटी रेट में जो है वह हल्का सा स्विंग कर रहा है हमारा, एक पहले 0.4 पे पहुंच गए थे हम पिछले महीने, उसके बाद हम 1.4 पे थे दो हफ्ते पहले, 1.5-1.6 पॉजिटिव रेट रहा है, अभी हमारा जो है वो लगभग 3% के करीब जो है वो पॉजिटिविटी रह रहा है। ओवरऑल देखा जाए अगस्त का, तो अगस्त महीने में हमारा पॉजिटिव रेट जो है वो 1.8 रहा है, और अगस्त महीने में हमने लगभग 31,164 जो है वो हमने सैंपल ले लिए, सैंपलिंग हम काफ़ी कर रहे हैं, 1.5 से 2,000 हम सैंपल कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सैंपल किया जाए, ताकि
क्योंकि इस बार जो है वो एसिम्टोमेटिक है लोग, किसी को कोई ऐसा लक्षण नहीं आ रहा है बीमारी का ज़्यादा, बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं जिनको हो रहा है। तो वो पता हमें वैसे ही लग रहा है एकदम, जब हम ऐसे कई लोग जो पासपोर्ट बनाने के लिए जो उनके जरूरी है मैंडेटरी आरटीपीसीआर, तब डिटेक्ट हो रहे हैं, फिर उनके कॉन्टैक्ट डिटेक्ट हो रहे हैं, तो सिम्टम कम है लेकिन पॉजिटिविटी रेट थोड़ा सा भी है, 2 से 3% इस हफ्ते, एक हफ्ते में रहा है, और अगस्त का पूरे का देखा जाए तो 1.8 अब इस महीने में रहा है।